अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला मिलियनेयर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फाइनेंशियली एजुकेट करूंगा, मैं आपकी जो जान रट्टे से छुड़वाऊंगा। और उसमें मैंने आपको तीन मार्केट्स का बताया था, मैंने बिटकॉइन का बताया था जो फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी वाली मार्केट बनती है, मैंने कहा था मैं आपको शेयर्स का बताऊंगा, मैंने आपको हल्का फुल्का वो डेमो दे दिया। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो है फॉरेक्स का। फॉरेक्स मुझे पुट्ठे जैसे आती है, लेकिन मैं आपको नहीं सिखाना चाह रहा था बिकॉज या समझाना नहीं चाह रहा था बिकॉज हमारी आवाम अनिवार्य टूट पड़ती है, हमारी आवाम जो है बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। और मैं आराम से कह सकता हूँ कि 95% जो बंदे हैं दुनिया में वो नुकसान खाते हैं, लॉस खाते हैं फॉरेक्स में। ठीक है, तो अगर मेरे से आप मशवरा कोई भी करने आएगा जी आजाद भाई मैं फॉरेक्स में जाऊँ, ना बिल्कुल नहीं, मैं खुद भी नहीं अब करता, ना मैं किसी को ये मशवरा दूंगा। इस वीडियो में आप मेरा जो पूरा सफ़र है उसके बारे में सुनोगे, कैसे मैं इस नतीजे पे पहुंचा, और आखिर में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेमो देखना है कि यार ये जो ट्रेडिंग डेस्क होता है किस तरह चलता है, एक्चुअली वो किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, तो आप बेशक आधा जो वीडियो है उसको क्रॉस कर जाए। लेकिन शुरू में मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये आपको लाखों करोड़ों बचा सकती हैं इन द आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। ओके, सो पहले मैंने आपको कह दिया कि आपने फॉरेक्स में नहीं जाना, और उसकी कई वजूहात हैं जिसमें से एक ये भी है कि पाकिस्तान बिल्कुल कच्चा है, चूजा है जहां तक बिजनेस की बात जाती है। हमें बिजनेस नहीं सिखाया गया, हमें रट्टा सिखाया गया, हमें बस ड्रोन्स बनाने की कोशिश की, गधे बनाने की कोशिश की, और अब हम जाग रहे हैं, अब हम खुद मुख्तार हो रहे हैं, हम बिजनेसमैन बने। और जब बिजनेसमैन जब बाहर निकलता है तो उसको समझ आती है ट्रेडिंग पैसा कमाना एक सस्ती चीज़ लेके महंगी बेचना होता है, कोई चीज़ जिसका कोई वजूद नहीं है उसको वजूद में लाना फिर उसको बेचना, कोई किसी के काम आना किसी को सर्विस देना उसको बेचना, वो बिजनेस होता है, नॉट ये जो बस कंप्यूटर पे बैठ के हमने ऐसे ऐसे कर दिया। और हज़ारों बच्चे जो है ना अपने पैसे हज़ारों क्या लाखों गवा देते हैं, जी मैंने फलां के साथ ना फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना लफ्ज़ इससे मुझे चिर आती है, खासतौर पर जब मैं पाकिस्तानियों के मुंह से सुनता हूँ, बिकॉज आपको फिलहाल समझ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। पहले आपने बिजनेस सीखना है, पहले आपने बिजनेस चलाना सीखना है, हाथ गंदे करना सीखना है, फिर जाके ना आपके जो नाजुक खातों वाला काम है ना वो फिर आपने करना है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, पहली जो मुझे वजह लगती है ना वो ये है कि फॉरेक्स इज़ लाइक जुआ। मैं देख चुका हूँ लोगों को जाते हैं अंदर गवाते हैं थोड़ा पैसा, फिर कहते हैं नहीं 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 ये मैं ना थोड़ा शातर हो गया, अगले बार मैं फिर जब खेलूंगा फिर अगली जो पोजीशन होगी उसमें मैं वापस जीत के ले आऊंगा, और बंदा इस दलदल में फंसता जाता है। जो लोग इसमें से गुजर चुके हैं बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में बता दें ताकि आवाम को समझ लग जाए आजाद भाई एवं नहीं बातें बना रहे। दूसरी वजह यह है कि लोग न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, खबरों को फॉलो नहीं करते, फाइनेंशियल जो अलर्ट्स होती हैं उन पे गौर नहीं करते बस, और अगर करते भी हैं तो तुक्के लगा लेते हैं एडवांस में, कहते नहीं भाई कल ना पाउंड गिरने वाला है ऐसे करना, कल डॉलर ऐसे होगा यहाँ पे जा रहा है ऐसे वाली पोजीशन खोल लेते हैं। अगर आपको एक्चुअली इसमें कुछ करना है, कोई क्या कहते हैं पैसे कमाने हैं, तो वॉट यू हैव टू बी डूइंग इज के न्यूज़ को फॉलो करना है और बस उसके पीछे पीछे चलना है, चंद सेकेंड पीछे चलना है लेकिन चलना उसके पीछे है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो हमारी आवाम है, मैंने कहा ना न्यूज़ नहीं देखती, अन्य वाह बीच में कूद पड़ती है, जिसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, SCALPING स्कैल्पिंग बोलते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है, बस आप देख रहे होते हो इन चीज़ों को देख रहे होते हो और बस कूद पड़ते हो, ये नीचे जा रही मैंने इसको भी कर दिया, बस आप एक दो पिप्स पकड़ रहे होते हो। पिप क्या होता है, बस ये जो यानी समझ लें एक उसका जंप जो होता है ना उसको हम पकड़ रहे हैं, बस मैंने उसको बैंकिंग करना है। और स्कैल्पिंग आपको ना डूब ले पड़ती है बिकॉज उसमें आप बहुत सारी पोजीशनें खोलते हो और हर पोजीशन जब आप खोलते हो वो हमेशा नेगेटिव में होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको फुल डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। चौथी चीज़ जो आप कर बैठते हो, आप लॉट्स बड़े बड़े खोलते हो। अगर आपको एक्चुअली पैसे कमाने हैं तो यू हैव टू गो टू माइक्रो लॉट्स। अब लॉट्स क्या होता है, लॉट्स क्या होता है, आप जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी खोल लेते हो जबकि आपको एक डॉलर की पोजीशन खोलनी चाहिए, लेकिन लालच बुरी बलाया बंदा, नहीं बस मैं अभी बीच में डाला भाई मेरी कल टूटी निकल आएगी इससे, नहीं दैट्स जुआ, और हम फिर जुए पे आ गए। पांचवी चीज, हमारे पास इनफ बजट नहीं होता और फिर हम लेवरेजिंग के लालच में पड़ जाते हैं। लेवरेजिंग क्या होता है, लेवरेजिंग ये होता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप एक डॉलर अपना डालते हो तो अगले कहते हैं यार 50 हमारी तरफ से ले लो, 100 हमारी तरफ से ले लो, 200, 400, मैंने 1000 तक भी देखी है लेवरेजिंग मल्टीपल बाय 1000। और आवाम कहती है हाँ भाई एक यानी एक डॉलर डाला वो 1% ऊपर गया तो मेरा कितना बनता है, यानी वो 5-10 एक दो सेंट को नहीं देखते, वो कहते नहीं यार मेरे 200-400-500 डॉलर बन जाएंगे, सो वो आपको मार देती है बिकॉज जितनी ऊपर जाने में फ़ायदा है उतना कम नीचे जाने में भी आपका क्या कहते हैं नुकसान है, लिहाजा वो उन पर मार्जिन कॉल आ जाती है। मार्जिन कॉल क्या होती है कि आपके पैसे खत्म हो गए,
जाओ सुके मर गयो दी एंड। और पैसा किसके हाथ में जाता है? आपके तो नहीं जाता, उड़ गया खलास खत्म हो गया। लेकिन आप वही बात आ गई जुए वाली, आप नहीं 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 मैं फिर डालता हूँ और कहीं से कहीं डाल के फिर करता हूँ, मैं फिर क्या कहते हैं जीत जाऊँगा। आपको पता है मुझे ना हालिया में किसी ने ये ट्रिगर कहाँ से हुई कि यार ये वीडियो बनानी है। बंदा मुझे कॉन्टैक्ट करता है, आज़ाद भाई मुझे 4 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए और मैं बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडर हूँ, बस मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दें। यानी आज़ाद भाई की इधर फुद्दू लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले अपने से जुआ किया और जाहिर माँ बाप को सारे को कंगाल कर दिया होगा, रिश्तेदारों को, अच्छी मेरे साथ इन्वेस्टिंग करें इन्वेस्टिंग करें, और अब आज़ाद भाई के पास आए होंगे आज़ाद भाई के पैसे से जुआ बंदा खेले। दैट्स द इफेक्ट जो हमारी आवाम पे हो रही है, वो बिजनेस नहीं समझ रहे उनके। यू हैव टू गो बाज़ार में, चिप्स बेचने पड़ते हैं, जाके आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं, खाने पीने की, पहनने की, दूसरी तीसरी, फिर जाके आप पैसे कमाओगे, फिर आपको बिजनेस समझ आएगी, पैसे की कदर आपको। राइट नाउ ना पैसे की कदर नहीं है आपको, आप ना अम्मी अबू के पैसों पर पाल रहे हो। और आपको अगर क्या कहते हैं कदर होती ना, अगर ये 16 साल की उम्र में आपको बाहर भेज देते ना, जाओ काम करो, तो फिर आप ये फजूलियात नहीं करते जी मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं। मुझे बच्चे कह रहे हैं यार मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे, मैं क्या करूँ। मैं यार समझ नहीं आती अब लाते किधर से। और बाद में ये आया कि भाई अबाई जदाद बेच दी एक्सेट्रा। एनीवे छठी चीज़ जहाँ पे ये मार खाते हैं, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको कई बार बोला इन माई डिफरेंट वीडियोज़ कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ऊट पटांग की, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1% अपनी जो आपकी मलकियत है, आपकी जो वैल्यू है या उसको क्या कहेंगे नेटवर्थ है, उसको आप दाव पे लगा सकते हो। जिस तरह मैंने बिटकॉइन का कहा था, फोरेक्स का कहा था अबाउट 3-4 ईयर्स को जब मैंने वीडियो असली पहले वाला बनाया था। तो जब भी आप कोई चीज़ करने जाते हो जहाँ पे यू नो कि रिटर्न्स ठीक ठाक है लेकिन आपको सही मार्केट की समझ नहीं है, मैक्सिमम आप अपनी 1% जो है ना वो वैल्यू उसमें लगाते हो। इसी तरह आप अपना सिर्फ 1% दाव पे लगाते हो विद होप कि आप कमा सकते हो। अगर आप 50 से ज्यादा कमा लेते हो ना, क्योंकि दिस इज अ 50-50 मार्केट, 50 से ज्यादा कमा लिया यूर इन प्रॉफिट, 50 से कम कमाया यूर इन लॉस। असल में 65 से प्लस होना चाहिए बिकॉज बीच में आपकी स्प्रेड की कॉस्ट भी होती है, लिहाजा वो 1% वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई करता है। लेकिन हमारी आवाम क्या करती है, जाते साथ 10-20% अपना जो अकाउंट का एक पोजिशन में डाल देती है और अगेन खलास। सातवीं चीज जिसका किसी को नहीं पता, सिर्फ आज़ाद भाई को पता है, और वो इसलिए पता है क्योंकि आज़ाद भाई जब ये फॉरेक्स में अपनी पूरी टीम डाल रहे थे, मैंने क्या किया, लोग मेरी ज़िंदगी में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं एंड ऑफिस में मैंने 3-4 बंदे बिठाए, मैंने कहा यार हमने ना इस मार्केट को हराना है, या ये जीतेगी या हम जीतेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जीत गई। उसमें हमने क्या किया, हमने 2000 से ज़ायद बॉट्स बनाए जो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करते हैं। पहले हमने मैन्युअली किया, जब हमें स्ट्रेटजी समझ आ गई हमने कहा कि इनको बॉट्स में लगाते हैं। तब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमें अपना ब्रोकरेज खोलना था, ठीक है। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो व्हाट जिस पे हम रिलाई कर रहे थे वो थी कि हम अपनी खोलेंगे ब्रोकरेज। और आज़ाद भाई न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बैंकर्स को $500 फी घंटे के हिसाब से कंसल्टिंग दे के जब अपनी ब्रोकरेज खोलने गए, तो आज़ाद भाई को बताया गया विद कोई और लाजमी नहीं, सीधा मुंह पे बोला गया अगर आपको पैसे कमाने हैं देन यू हैव टू बैट अगेंस्ट आपके जो बंदे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरा दिमाग खुल गया अबाउट ऑल द छोटे छोटे जो ब्रोकर जिनके साथ हम काम करते थे क्या करते हैं। आपको पता है 90% प्लस बंदे जो है ना हारने वाले हैं, तो आप क्यों उनके पास अपनी क्यों पोजीशन खोलेंगे, आप उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट ऐसे है, एक हारता है दूसरा जीतता है, राइट। सो आप उसके खिलाफ जाओगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो पोजीशन प्रॉफिट में चली जाती है तो आप बोलोगे कि भाई लिक्विडिटी नहीं है और आप उस पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे, ये हमें बताया गया था वहां पे, ठीक है, कि आपके जितने भी ब्रोकर्स हैं सारे आपके खिलाफ करते हैं काम, स्पेशली जो उसका होता है यार स्प्रेड वाले होते हैं, लेकिन उसमें मैं बाद में बात करूंगा। सो आज़ाद भाई सीख चुके हैं दैट इट्स एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट, ये हमारी चीज़ ही नहीं है भाई। दुनिया में हजारों और बिजनेस पड़े हुए जो हमने करने हैं, बट मुझे एजुकेट आपको करना है, मैं एजुकेट कर रहा हूँ आपको, एजुकेट होते रहिए। आठवीं चीज़ यही थी कि जीरो स्प्रेड्स वाली, जीरो स्प्रेड्स जो आपको दे रहे हैं वो तकरीबन 99% स्कैम है। क्यों, कौन बंदा मुफ्त के लिए काम करता है, नोबडी। लेकिन अवाम कहती है भाई जीरो स्प्रेड्स चाहिए, जीरो स्प्रेड्स चाहिए, तो कहते हैं ठीक है भाई जीरो स्प्रेड्स देते हैं आपको, जीरो स्प्रेड्स आपको देते हैं, लेकिन जब आपकी पोजीशन क्लोजिंग पे आती है वो क्लोज नहीं होने देते, आपको नुकसान में बंद करते हैं, देख लेना। हमने जब उस दिन टेस्ट किया था तो तदफुल एक्स के साथ टेस्ट किया था ये बात साबित करने के लिए कि ये ऐसे हो रहा है एंड इट डज। इनकी सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। अनलेस आपके पास 2-3 ब्रोकर पड़े हुए हैं, ये खुद डिले करेंगे मार्केट को, इनको पता है आगे पोजीशन किधर जा रही है, दूसरा तीसरा, और ये जो सारी ग्राफ है ना ये खुद ब खुद लिखी जा सकती है। हैपन्स क्यों नहीं लिखी जा सकती,
कितने से आने हैं, और जब आप उनको पकड़ेंगे ये बस बिजनेस बंद करके चले जाएंगे। लेकिन कोई पकड़ता भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त बताया गया था कि ये हरबे आपको इस्तेमाल करने अगर आपको पैसे कमाने हैं। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो, जिसमें ना आवाम का फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, मैं वो नहीं करूँगा। नवी चीज़ ना जी आजाद भाई, मेरे पास तो बड़ा ज़बरदस्त बॉट है, बस बॉट मुझे पैसे कमा के देगा। बंदे खुदा के कोई बंदा अपनी सोने देने वाली मुर्गी किसी को देता है? नहीं देता। मेरे पास बॉट है, मेरे से एक मांगो मैं एक भी नहीं दूंगा। कुछ है मेरे पास जो काम कर रहे हैं देयर इन द क्रिप्टो करेंसी में, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दूंगा आपको। क्यों? वो मुझे सालू लग गए वो स्ट्रेटजीज बनाते हुए। अगर मैं किसी को भी दूंगा वो स्ट्रेटजी बाहर निकलेगी तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो स्ट्रेटजी काम ही नहीं करेगी। कौन सा बेवकूफ़ है जो मिलियन दो चार पाँच कमाने वाला बॉट आपको 25, 50, 75, $500 में आपको बेच देगा? जो कोड नहीं काम करता वो आपके गले फेंक दिया जाता है। और जितने भी आप टेस्ट देख रहे हो वो सुखे टेस्ट होते हैं जो पास्ट हिस्ट्री पे चलाए जाते हैं वो, और हिस्ट्री सबको पता है कहाँ पे थी। तो हर चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है, और आप उस पर जी वो तस्वीरें देख के ग्राफ खुश हो जाते हैं। दो चार जाली से चेक बंधूंगे, दो चार टेस्ट मनीज। बॉट्स नहीं खरीदने आपको, अगर खुद बना सकते हैं तो वो बात की बात है, ठीक है, बट खरीदने नहीं है। दसवीं चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है, आज़ाद भाई ना आप फिक्र करें, मेरे पास फलां फलां गुरुजी हैं और गुरुजी मुझे सिग्नल भेजेंगे। ठीक, आपको पता नहीं ये मार्केट 50-50 है, यानी 50 बार आप गलत हो सकते हो, 50 बार आप सही हो सकते हो। और फिर वो जुए वाला एलिमेंट हो गया, जब बंदा एक बार जीत जाता है ना और 10 बार हारता है, कहता है नहीं नहीं उसको याद रहती है वो एक जीतने वाली, और फिर उस जीत के पीछे वो लगा रहता है। ओके, जब मैंने इंटरव्यू किया था एक जुए हारने वाले को, इराकी बंदा था, इसके तकरीबन 50 या 100 इसके जुआ हारने थे, शायद इससे ज़्यादा थे। तो उसने कसिनोस, उसने मुझे कहा कि हमारी जो जीतने वाली होती है ना, जो यानी जो रेशो होती है 200 में से एक बंदा जीता, 199 हमारे होते हैं, यानी नुकसान खा के जाते हैं। सो सिमिलरली ये जुए वाला और वो जो मैंने बॉट की बात की थी, सोने वाली मुर्गी की बात की थी, वो वाला प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। आपको पता है अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जब गोल्ड रश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसे कौन कमाता है? जो बेलचे बेच रहा है। यहाँ पे ये जो गुरु जी हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको बेलचे बेच रहे हैं और बेलचे बेच के खुद पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि भाई ये सिग्नल लो, ये सिग्नल लो, ये सिग्नल लो। समझ गए ना? फिर से कह रहा हूँ मैं, आई एम एजुकेटिंग, आई डोंट वांट यू टू गो इनटू फॉरेक्स, लेकिन समझाता रहूंगा और आई कीप ऑन टीचिंग इंशाल्लाह। एनीवे, आप आइए मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रेडिंग होती कैसे है। ओके, स्प्रेड्स क्या होते हैं, टिक्स क्या होते हैं, दूसरा तीसरा हल्का फुल्का आप देख लो, ताकि कल आप ज़्यादा एजुकेटेड हों, कल आपको कोई फुद्दू ना लगा सके, आपको कल कोई बेवकूफ़ ना बना सके कि यार ये फोरेक्स होती क्या। अभी तो यार एक सॉफ्टवेयर है, वहीं जाके बंदा बस उसको इस्तेमाल करता है और ट्रेडिंग करता है, ठीक है। ओके जी, मेरी स्क्रीन पे आप आ गए। इस सॉफ्टवेयर को मेटा ट्रेडर 4 बोला जाता है, मेटा ट्रेडर 5 भी होती है, लेकिन मैं इसका डेमो आपको करवाने वाला हूँ। इसको ट्रेडिंग डेस्क बोला जाता है। सो यहाँ पे ये आपका मार्केट वॉच है, जहाँ पे आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, राइट एंड चोल, ठीक है। यहाँ पे करेंसी भी होती है, शेयर्स भी होते हैं, CFDs भी होते हैं, अपना ये लोहे के हैं, तेल के हैं, कमोडिटीज़ हैं। यहाँ पे कॉटन होगा, इधर कोक्स होगी, आप शेयर देख रहे, कॉटन होगा, राइस वगैरह जो भी होते हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स वगैरह, कोको, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कमोडिटीज़ बोलते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यू शुड प्रॉब्ली सी इनके बने हुए हैं कुछ क्रिप्टो के भी होंगे कुछ यहाँ पे, इन्होंने लगाए होंगे, हाँ ये ले क्रिप्टो भी इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है। BTC USD हर चीज़ का, जिस तरह मैंने आपको शेयर्स में बताया था, सिंबल होता है। BTC हो गया बिटकॉइन, USD हो गया US डॉलर की क्या कहते हैं जो सिंबल है। तो हाँ यार, मुझे इनका ना पता है क्या, ट्रेडिंग के लिए आई नीड द ईज, मुझे निकालने दो। वैसे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, USD यहाँ पे पकड़ के लाएं तो आपको ये स्क्रीन है जहाँ पे आप देख रहे हो, जिसको फ़िलहाल आप एक घंटे की लेवल पे देख रहे हो, घंटा, ठीक है। हम इसको एक मिनट पे लेके आते हैं, अब भी हमें दिखाई नहीं दे रही, जूम इन करते हैं। और अच्छा, ये क्या, ये एक मिनट की पोजिशन है, इसकी कीमत कहाँ थी, कहाँ से ये खुली, कहाँ पे ये ख़त्म हुई, कहाँ पे खुली, कहाँ पे ख़त्म हुई, आप देख सकते हो। फ़र्ज़ करो यहाँ पे खुली, नीचे भी गई थी, लेकिन फिर ऊपर जाके यहाँ पे बंद हुई, ऊपर भी गई थी, यहाँ पे बंद हुई और अगले मिनट पे चली गई। लेकिन इसको हम कैंडल्स कर देते हैं, कैंडल्स इसको एमी से बोला जाता है क्योंकि ये मोमबत्ती जैसी लगती है, तो इट्स क्वाइट पॉपुलर। इसमें दो रंग होते हैं, आपको एक नीचे और एक ऊपर बता रहा है, सो लिहाजा देखने में आसान है। वाइट जितनी भी है नीचे जा रही है मार्केट, और जिसको हम सेल बोलते हैं, और अगर ऊपर जा रही है तो उसको हम बाई बोलते हैं।
यू हैव अ लिटिल यहाँ पे, हाँ ये इंस्टेंटली आप मार्केट में कूद सकते हैं, दरल्ला मार सकते हैं। आपको मैं चीज़ बता दूँ, मैंने आपको स्प्रेड का बोला था, ठीक है। स्प्रेड क्या होती है कि अगर इसकी फर्ज करो कीमत राइट नाउ यूरो यूएस डॉलर की, और यूरो यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा आपस में ट्रेड किया जाता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 108, लेकिन उसका ये 0.09, 0.10 और उसका भी एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो दरमियान में गैप है ना, ये इनका प्रॉफिट बनता है जो होते हैं अपना ब्रोकरेजेस। इसमें क्या होगा, न्यू ऑर्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा वाजे दिखाई देता है। ये देख लें, फ़र्ज़ करें ये मैं कहता हूँ कि जी मैंने ना एक बाई लेना है, मैंने जब मैं ख़रीदूँगा यहाँ पे ख़रीदूँगा, जब मैं बाई सेल का ये नहीं मतलब होता कि वो आप ख़रीद रहे हो या बेच रहे हो, वो बाकायदा उसका यानी नाम है, आप एक बाई ख़रीद सकते हो, आप बाई ख़रीदोगे, ये जो बाई लिखा हुआ ना आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। लेकिन वो क्या है कि बाई जब आप ख़रीद रहे हो, आप बेसिकली कह रहे हो मार्केट यहाँ पे जाएगी, और जब अगर मार्केट नीचे चलेगी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। मैं बाई का सिखा देता हूँ, आसान रहेगा। मैं फ़र्ज करिए एक बाई खोलता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे गई तो बंद कर देना, ये मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, इसे सिर्फ जो दरमियान में इसके बाद गैप होगी वो मेरा प्रॉफिट होगा। ये वो कीमत है, वो स्प्रेड है जो आपको अदा करनी पड़ती है। अब जितनी मार्केट ज़्यादा इस्तेमाल में होती है उतनी स्प्रेड कम होती है, जितनी वो प्रोडक्ट कम इस्तेमाल में होती है उतनी स्प्रेड बड़ी होती है। मैं यहाँ पे कोई मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, ये करेंसी में चले जाते हैं। अच्छा आप ये देख सकते हैं, ये मुझे एक मिसाल मिल गई है लाइटकॉइन और यूरो, ठीक है, क्योंकि ये कम ट्रेड होती हैं, तो एक $38 की है और एक यानी उसकी जो आस्क है और जो बिड है, इनमें देख लें 3 यूरो का फ़र्क पड़ता है, 3 कुछ का, और ये यहाँ पर तकरीबन 10% बन रही है। मिसाल के तौर पे आपकी मार्केट 10% बढ़ेगी फिर जब आप जाके प्रॉफिट में आओगे। सो ये क्यों, क्योंकि बहुत कम इसमें ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अगर दूसरी जितनी भी मार्केट्स में देख रहा हूँ उनमें काफ़ी तेज़ी है, लिहाजा देख रहे हैं फटाफट इनके सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इनमें जो स्प्रेड है वो टाइट ही रहेगी, जिसे टाइट यानी लव्स है टेक्निकल जो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ सैंपल कि ट्रेड किस तरह किया जाता है आपके सामने। जुआ ही है भाई, इसमें हम हारे जीते उसका मुझे नहीं आई भाई। यूरो यूएस डॉलर्स ये लें, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, एंड वी विल गो टू न्यू ऑर्डर। तो अच्छा यहाँ पे अगर मैं बेसिकली शर्त है तो कई है, अब हम यूज तो फॉलो कर ही नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, सिंपली आपको दिखाना है। ये माइक्रो लॉट मैंने डाल दिया, 1 डालता तो बहुत महंगा पड़ता, ये 0.01 $1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। सो मार्केट पेंडिंग ऑर्डर, ये पेंडिंग ऑर्डर का क्या है कि बाद में आपको बाई लिमिट का दिखाया था कि आप बाद में कह सकते हो कि जब यहाँ पे अगर पहुँची तो ये ख़रीद लेना, यहाँ पे कर देना। बट वी हम मार्केट में जाएंगे एंड किधर का यार स्टॉप लॉस इन्होंने कोई नहीं इस पर रखा हुआ। एनीवे ये ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर देख रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा था, ठीक है। स्टॉप लॉस हमने ना अपने कुछ कस्टम सिंबल से बनाए हुए तो मैं उसका हिला हुआ हूँ। टेक प्रॉफिट, अच्छा हम कहते हैं एमी तो कही है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे आएगी, ठीक है एमी। अब देख लो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सारी आवाम यहाँ पे कंफ्यूज होती है, यानी इंसान है ना वो डिसीजन ही बना सकता कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ जानता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं नीचे जाएगी। लेकिन हम अगर आपको लंबा देखना है तो आप 5 मिनट पर आ जाए, ठीक है जी, मार्केट पूरी की पूरी गिर रही है, 15 मिनट पे आ जाते हैं। अच्छा ऊपर गई थी, इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, फटाफट जब इसने क्लाइम किया ब्रेकआउट हुई ये अब नीचे जा रही है। सो हम लॉन्ग टर्म में कर देते हैं कि जी हम एक सेल खरीदेंगे। अच्छा पता है हम स्टॉप शॉप कोई नहीं लगाते, हम बस सिंपली एक सेल ले लेते हैं, और अब देखिए ये कितनी बड़ी गैप है, ठीक है। पहले इसको पुर करनी है, जैसे ही मैं लूँगा तो मेरा यहाँ से नहीं शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, पीछे से शुरू होगा। और हमारे ये नीचे बाय द वे देख लें $30 मैंने इसमें डाले हुए हैं, जस्ट आपको देने के लिए, मिसाल देने के लिए। तो मैं सेल खोल दी, नॉट इनफ मनी, इसमें मैं पैसे डाल देता हूँ, $30 भी काम के नहीं है, गिव मी 1 सेकंड। अच्छा मैंने $100 कर दिए, फिर जाते हैं न्यू ऑर्डर। अब भी देख लो इंसानी दिमाग है, मैं अगर ख़रीद लेता तो अब मैं लॉस में होता, अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैं फिर भी ना सेल ख़रीदने जा रहा हूँ, ठीक है सेल में ख़रीदने जा रहा हूँ। ओके ऑर्डर खुल गया, हमने इतने पे ख़रीद लिया, ओके कर दिया,
तो देख सकते हैं आप, मैं इसको 2-4 मिनटों में बंद कर दूंगा, इसको 1 मिनट देते हैं। अभी वक्त क्या हुआ है ये देख सकते हैं आप, 6:13 हुए हैं PM। एनीवे इन दरमियान मैं आपको बता देता हूँ कि ये मार्केट 24 घंटे नहीं खुली होती, ये 24 घंटे खुली होती है लेकिन मंडे टू फ्राइडे, आज जुमे बंद होने वाली है अनकरीब। एक ये बात थी, दूसरा ये लाइव सर्वर है, आपको वो टेस्ट वाला भी देते हैं। ये मार्जिन आपको बता रहा है आपका कितना है, वो जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस पर भी ना अभी लेवरेजिंग इस्तेमाल हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी, 100 हो रही होगी, मैंने वो फिलहाल देखा नहीं है जानबूझ के, मेरा ध्यान ही उधर गया, बट यू कैन सी इक्विटी कितनी है, पैसे कितने थे, आप क्या जस्ट मिनट देते हैं इसको, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो मैं लॉस खा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बाई ख़रीदा हुआ है, मैंने क्या जुआ लगाया, मैंने क्या किया कि भाई इधर जाएगी तो मैं पैसे कमाऊँगा, वो बाई होता तो इधर, और कुछ आवाम ना फटाफट कहती है ना भाई एक बाई भी ख़रीद लेंगे एक लॉस भी ख़रीद लेंगे, ये आपस में कैंसिल नहीं करती खुद को, क्योंकि मार्केट इज़ टू बिग, ठीक है। अनिवा आपको क्या पता था कि पाउंड किधर होगा, यूरो किधर होगा, डॉलर किधर होगा, कब होगा, पिछले साल किधर था, अब किधर है, और ये जो आप देख रहे हो ना एक यूरो 15 देख रहे हो, इसमें भी हज़ारों छोटे 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 हिंसे हैं, ठीक है, एंड सो जस्ट इस चीज़ को हाथ ना लगाए बंदा वो ठीक रहेगा। देख लो पीछे 2013 पे जा रहा है, जिसने यहाँ पे पोजीशन खोली वो तो डूब गया ना, डूब क्या गया, पहले से बंद हो गई होगी, उसके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए होंगे, लिहाजा मेरी मान लो सारे इसमें लूज़ करते हैं, ओके कब हाँ ये लो ठीक है, 15 हो गए, लॉस में थे हम, अभी प्रॉफिट में, यहाँ से देख सकते हैं कोई नहीं प्रॉफिट में, इक्विटी देख लें नीचे, ठीक है। तो अगर मैं इंतज़ार करूँगा, सब्र करते रहेंगे तो हाँ जी बस होने वाली है, देन वी कैन जस्ट मैंने मॉडिफाई करना है कि नहीं करना, अच्छा पता है क्या, मैं इसको ना 2-4 मिनट दे रहा था, अभी 3 मिनट हुए हैं, मैं चाह रहा था कुछ ज़्यादा दूर आगे पीछे जाए, खास जा नहीं रही, देख सकते हैं लॉस हमारी -22 सेंट्स है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैं इसको, अब बताओ ये ट्रेलिंग स्टॉप क्या होती है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होती है, स्टॉप लॉस बेसिकली फ़र्ज़ करिए, मैं कहता हूँ कि जितनी ये ऊपर जाती जाएगी ना तो ठीक है, इसको जाने देना, जब ये अपने मूव पे वापस फेरेगी तो इसको बंद कर देना, और फासला कितना आपने रखना है और यहाँ से आप तैयार कर सकते हो, यहाँ से जी 3 पॉइंट्स है जितने भी आपने रखने हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली क्लोज करने वाला हूँ, ओके ठहर जा डन, बंद कर दी हमने, 14 सेंट्स का नुकसान खाया, एंड इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आवाम इन स्क्रीनों को देखती रहती है, एंड मैंने कहा, और ये जो मैंने अभी किया ना इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं बाय द वे, यही होती है स्कैल्पिंग, बस नहीं पड़ती तू था जा बस बंद कर दिया, ओ नहीं था जा बस बंद कर दिया, लॉन्ग टर्म जो न्यूज़ वाला होता है वो देखता है, फर्स्ट करी यहाँ पे US डॉलर और GB हालिया में ना, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हैं पाउंड गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कल न्यूज़ निकली थी कि पाकिस्तान UK की जो इकॉनमी है वो 6% गिरी है कोरोना की वजह से, ठीक है, एंड अप्रैल वो सिर्फ मार्च का आखिरी हफ्ता था, अप्रैल पूरा इकॉनमी बंद रही है, तो इनका अंदाज़ा है कि 15-20% 25% और मज़ीद गिरेगी, यानी रिसेशन में हम जा रहे हैं। चलिए ये मुझे वीडियो ना सस्ते में पड़ के सिर्फ मेरे 14 सेंट ज़ाया हुए हैं, मैं तो $100 भी आपके लिए ज़ाया करने के लिए तैयार था, इसको बंद करते हैं वापस कैमरे पर चलते हैं। अच्छा मिलियनेयर हो, मेरी तो आँखें दर्द कर रही हैं, बूढ़ा हो रहा हूँ नहीं, वो यानी वो जो नादानियत हमारे बंदों की ना वो मुझे ना तंग कर रही है, वो मेरे जहन में आ रही है, यानी उल्टी सी हो रही है कि बंदे बता के हमारी आवाम, अब उनका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आपको एजुकेट किया ही नहीं गया, आपको रट्टा रट्टे पे पाला गया और आपको कहा गया कि वो एजुकेशन है,
ठीक है। और जाहिर आपको अगर आपके बड़े हम तो ताबेदार हैं, बड़े हमारे हमें कहेंगे कि जी एजुकेशन है तो हम मान लेंगे, हम मानते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको खुद नहीं पता था और हमें भी वो यानी अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ कोई मार्का नहीं मारा, कुछ नहीं हासिल कर दिया एंड हम समझ बैठे हैं कि बस भाई यही इन्वेस्टमेंट होती है। चौधरी साहब जो सूट बूट में आके बैठ जाते हैं अपने दफ्तर में, तो भाई जितने हमारे ऑफिसर्स को देख लो, हाथ नहीं गंदे करते बैठे रहते हैं इन। अब तो हैं, अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई जनरेशन है, ये ताज़ा ब्लड आया है, पुराने वाले भी अब जो है ना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट टू देम, तब्दीली आ रही है, वो भी हमारे जैसे। मेरी खुद की फैमिली के बड़े बड़े अहदे पे माशाल्लाह बंदे बैठे हुए हैं, सो मुझे पता है देर जस्ट ऑर्डनरी पाकिस्तानीज, वो भी इसमें से गुजर चुके हैं, उनका भी कसूर नहीं है। लेकिन अब मुतहिदा होकर हमें तब्दीली लानी है, पहले हमसे शुरू होगी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो पाकिस्तान को बदल सकती है, पॉजिटिविटी में ला सकती है, हमारे खुद के हालात से शुरू होकर मुल्क के हालात तक इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन पैदा करें। बिजनेसमैन चीज़ें बनाते हैं, चाइना में बना है ये किताब, चाइना में बनी है ये स्क्रू ड्राइवर, चाइना में बना होगा ये माइक, यकीनन चाइना में बना होगा, बेशक सोनी का मेड इन चाइना, ये जो टुकड़ा सा प्लास्टिक का ये चाइना में बना होगा यार, ये स्क्रीन कंप्यूटर शूटर सारा चाइना में बना है, जितना भी हम ये कैमरा चाइना में बना है, जितनी तीन चार लाइटें लगी हुई हैं चाइना में बनी है। आई एम प्रीटी श्योर पीछे फ्रेम जो है जिसपे लिखा हुआ है लगे रहो मेरे बब्बर मिलियनेयरो, वो भी चाइना में बनी है। आई होप आई हैव एजुकेटेड यू, लव यू, लगे रहो, लाइक दैट पोस्टर सेज लगे रहो, इमान से लगे रहने से बंदा कहीं ना कहीं पहुँचता है। आप अगर मैदान में उतरोगे नहीं, क्रिकेट के मैच को कह लेते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा, क्रिकेट खेलना नहीं आएगा तो आप बेहतरीन शायद अफरीदी तेंदुलकर नहीं बन सकोगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह एंड ऑफ कोर्स शेव अख्तर एंड वसीम अकरम जो हमारे बॉलर हैं, मैं बॉलर को मिस आउट नहीं करता, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ चाय वाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। और मैं कतई कतई दिस इज प्योरली एजुकेशनल और आपको कतई 10वीं बार कह रहा हूँ फॉरेक्स में मत जाइएगा, ना किसी को पैसे अपने दीजिएगा, आपके पैसे की किसी और को कदर नहीं है जितनी आपको खुद को होगी, ठीक है। उनको मुफ्त का पैसा मिल रहा है एंड दैट्स हाउ फ्रॉड्स हैपन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।